सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब है योगा एंड एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 5। यहाँ में भी आज हम कुछ आसन के फायदे और करने का तरीका को अच्छी तरह से देखेंगे, सीखेंगे। आज का पहला आसन है वीरभद्रासन। ये टाइप 2 का कहा जाता है, वह ये नॉर्मली एक वीरभद्रासन का नाम से भी बोल सकते हो। इस चित्र में एक्सप्लेन करके दिखाया गया है, ठीक इसी प्रकार ही आसन को करना है, जिनमें एक लेग का जो नी है वो 90 डिग्री में फोल्ड होगा, बाकी बॉडी स्ट्रेट एंड अनदर लेग विल बी स्ट्रेट। ये आसन करने के लिए पहले स्टैंडिंग पोजिशन से ये पोजिशन तक आना है। इस पोजिशन में 10 से 30 सेकेंड व इससे कुछ ज़्यादा समय भी रुक सकता है। फिर नॉर्मल व स्टैंडिंग पोजीशन में आके कुछ सेकेंड वेट करके फिर से ये एक्सरसाइज को रिपीट करना है। 5 से 8 बार इसको रिपीट करना है दोनों साइड में, दोनों लेग में। अब आते हैं इसका फायदे। इस आसन के फायदे के बारे में यहाँ में लिखा गया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, मैं कुछ पढ़ देता हूँ। जैसे कि हाथ पैर कमर को मजबूती प्रदान करता है, शरीर का संतुलन बना के रखता है। बैठने का कार्य करने वाले जो लोग ज़्यादा समय दिन में बैठे रहते हैं उनके लिए ये बहुत लाभकारी है, शरीर का अच्छा एक्सरसाइज हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से बॉडी का अलग अलग जगह में भी फायदा होते हैं। इस आसन का नाम है वीरभद्रासन। तो वीरों का जैसा मन में साहस आते हैं, मन में अच्छी भावनाएं अर्थात शांति आदि की गुण भी वृद्धि होते हैं, तो ये मन के लिए भी अच्छा है, तो शरीर को भी तंदुरुस्त बनाते हैं। तो ये आसन को वीकली 3 से 4 बार का प्रैक्टिस में अभ्यास किया जा सकता है। फिर आते हैं इस आसन से थोड़ा सा अलग, एक पांव को उठाते हुए इस तरह से जो पिक्चर में दिखाया गया है, इस पोजीशन में आने से इसका नाम दूसरा हो जाता है, जिसको हाफ मून पोजीशन व अर्ध चंद्रासन भी कहा जाता है। तो पिक्चर में यह है फाइनल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन से इस पोजीशन तक आना है और इस पोजीशन में भी 8 से 20 सेकेंड तक रुक करने का अभ्यास करना है तथा इसे रिपीट करना है दोनों लेग साइड में। इस आसन से शरीर में अनेक लाभ होते हैं। इसके फायदे यहाँ में लिखा गया है, ये पूरी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए विशेष मदद करता है। पांव से लेकर के हैंड, शोल्डर, पेट का अंदर के तंत्र जैसे कि हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर आदि सभी को स्वस्थ रखते हैं। तो है ना, ये एक मज़ेदार आसन जो पूरा बॉडी को स्वस्थ रखते हैं। तो ये आसन को अपने योगा आसन प्रैक्टिस करने के समय में 4 से 5 दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक दिन में 5 से 6 बार ये आसन को दोनों ही पाँव में रिपीट भी करना है, तब इसका अच्छा फायदा मिलेंगे। अब नेक्स्ट आसन है बद्धकोणासन, जो दोनों पाँव को एक साथ जोड़ के बॉडी को स्ट्रेट करके बैठने का आसन है। जिस तरह से पिक्चर में दिखाया है इस तरह से ये आसन में बैठना है। पहले दंडासन में अर्थात पाँव को खोल के आगे, फिर इसके बाद इस तरह पोजीशन में, फुल पोजीशन में आ जाना है। ये आसन सहज ही शरीर में बहुत ज़्यादा फायदे दिलाते हैं, विशेष करके औरत और लड़की लोगों के लिए ये आसन बहुत अच्छा है, उनके बहुत सारे समस्याओं को समाधान करते हैं। ये आसन नियमित रूप से करने से रीढ़ की हड्डी के साथ जड़ित बीमार जैसे कि कमर दर्द आदि दूर होते हैं, शरीर को सुंदर बनाते हैं, मन को एकाग्र करने में तथा स्मृति शक्ति को बढ़ाने में विशेष मदद करता है। क्योंकि ये एक ध्यान करने का आसन भी है, जिससे मन की एकाग्रता वृद्धि होती है और मन स्थिर होता है। ये आसन आँखों के लिए भी अच्छा है, तो फेफड़े यानी लंग्स के लिए भी अच्छा है। तो ये योगासन में 2 से 5 मिनट तक बैठना है और अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोशिश करना है। बहुत ज़्यादा घुटनों का दर्द, कमर का दर्द व पेट के विशेष कुछ बीमारी आदि में यह आसन नहीं करना है। यह आसन करने में एक बात को ध्यान रखना है कि अपना जो नी है वो जितना हो सके जमीन का सामने में छपा के रखना है और दोनों ही फिट पांव एकदम अपना कमर के सामने में रखना है।
पहले दोनों पाँव का अंदर से साइड में कुछ खिंचाव अर्थात स्ट्रेस का फीलिंग होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कम होते जाते हैं, तो इससे ये फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ते हैं। तो ये आसन जरूर प्रैक्टिस करना है। अब बात करते हैं सुखासन का बारे में। ये बहुत लंबे समय तक बैठने के लिए एक सुंदर आसन है, जिसमें हम ध्यान आदि भी कर सकते हैं व कोई भी लंबा समय तक बैठने का काम कर सकते हैं। इसमें दोनों लेग को क्रॉस लेग करके बैठना होता है, जिस तरह से चित्र में दिखाया गया है। इस आसन में भी अपना बैकबोन को सीधा करके ठीक से बैठे तो बहुत फायदा मिलता है। दूसरे सारे आसन करने के बाद में प्राणायाम आदि करने के लिए भी ये आसन में बैठ सकते हैं। अगर पद्मासन आदि आसन करने में तकलीफ है तो ये सुखासन में बैठ करके भी पद्मासन आदि करने के जो फायदा होते हैं उनमें से बहुत सारे फायदे पा सकते हैं। ये आसन में हम सहज ही लंबे समय तक बैठ सकते हैं तथा ये आसन मन को एकाग्र करने के लिए, मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष मदद करता है। ये आसन हर दिन कर सकते हैं और 3 से लेकर के 5 मिनट तक का इसका विशेष अभ्यास भी किया जा सकता है। अगर कमर में, घुटनों में व पीठ में, जैसे स्लीपिंग डिस्क कहा जाता है, ऐसा कुछ बीमार अथवा दुर्घटना के कारण बहुत ज़्यादा चोट लगने के समय में ये आसन नहीं करना है। तो आज का दिखाए गए सभी आसन को अपना जीवन की यात्रा में, अपने योगासन की दिनचर्या में इसे प्रयोग करना है, अभ्यास करना है और शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन एक्सरसाइज के साथ साथ खान पान का भी बहुत ध्यान रखना है। ये भी आप करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह ही आशा करता हूँ अपने तन मन की स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखते हुए जीवन का सुख लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।